देश भर में दीपावली पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। पूरा देश रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर है। तो इधर राजस्थान वासियों ने भी बीते दिन जमकर दिवाली मनाई, क्योंकि दो साल के कोरोना काल के बाद इस बार लोगों को ये मौका मिला है। लोगों ने भी इस मौके का जमकर मजा उठाया और मिठाइयां खाने के साथ जमकर पटाखे भी फोड़े। दिवाली के दिन ही जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो कोई पटाखा जला रही हैं, शायद रॉकेट, फुलझड़ी या अनार, कि तभी अचानक पटाखे की चिंगारी तेज रफ्तार से टीना की तरफ आती है। इस हादसे से टीना डाबी बाल बाल बच गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि दिवाली के मौके पर जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी के साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। हालांकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे टीना डाबी पटाखे की चपेट में आने वाली थी। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है तो फौरन उसे डिलीट करिए, क्योंकि ये वीडियो दिवाली के दिन का है ही नहीं और इसे दिवाली का बताकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसे देखते हुए जब राजस्थान तक ने इस वीडियो की सत्यता की जांच की तो पता चला ये वीडियो 20 दिन पुराना है। जी हाँ, ये वीडियो दशहरा मेले के दौरान का है, जब रावण को जलाने के लिए टीना डाबी ने पटाखे में आग लगाई तो अचानक उससे निकली चिंगारी तेजी से उनकी तरफ आई। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में जैसलमेर की डीएम टीना डाबी बाल बाल बच गईं। अब लोग इसे दिवाली के दिन का समझकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। टीना डाबी ने दिवाली का त्योहार काफी सावधानी और सादगी के साथ मनाया है। जैसलमेर की प्रसिद्ध गड़ीसर झील के किनारे टीना ने दिवाली के दिए जलाए जहां टीना ने हल्के फुल्के पटाखे भी फोड़े। टीना के वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई जानने के बाद उनके तमाम फैंस ने अब राहत की सांस ली है। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।